नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 24 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यास तूफान को लेकर बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट हुआ जारी। अब वीटीआर में बनेंगे 6 इको हट। बिहार में कई जिलों में गहरा रहा है भूजल संकट। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राजद को दिलाई लालटेन यूपीआर। बिहार में प्रतिदिन होगी अतिरिक्त 800 से 1000 जम्बो सिलेंडर की रिफिलिंग। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बीते दिन कोविड-19 के मामलों में हुई गिरावट। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4002 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 40691 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 145, अरवल में 28, औरंगाबाद में 72, बांका में 30, बेगूसराय में 180, भागलपुर में 123, भोजपुर में 36, बक्सर में 53, दरभंगा में 96, ईस्ट चंपारण में 97, गया में 126, गोपालगंज में 120, जमुई में 32, जहानाबाद में 9, कैमूर में 23, कटिहार में 108, खगड़िया में 49, किशनगंज में 78, लखीसराय में 64, मधेपुरा में 107, मधुबनी में 88, मुंगेर में 38, मुजफ्फरपुर में 195, नालंदा में 86, नवादा में 38, पटना में 795, पूर्णिया में 118, रोहतास में 26, सहरसा में 119, समस्तीपुर में 179, सारण में 72, शेखपुरा में 18, शिवहर में 39, सीतामढ़ी में 53, सिवान में 70, सुपौल में 187, वैशाली में 154, वेस्ट चंपारण में 117 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 44 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 8111 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,32,590 सैंपल की जांच की गई है। बीते साल के मुकाबले इस बार ठंडा रहा मई का महीना। मई के महीने में लोगों को लू का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस साल मौसम ने बिहारवासियों को थोड़ी राहत दी है। यही कारण है कि इस साल का मई महीना बीते साल के मुकाबले काफी ठंडा साबित हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बाबत कहा है कि चक्रवात की वजह से और लॉकडाउन लगने की वजह से वायुमंडल पर खासा प्रभाव पड़ा है और मई महीने का तापमान बीते साल की अपेक्षा कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से शैलेंद्र कुमार पटेल ने मौसम की अद्यतन जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वानुमान के अनुरूप खासकर पूर्वी बिहार में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इस बार मई का महीना कुछ सालों की तुलना में कुछ अलग रहा। आमतौर पर इस प्री मॉनसून सीजन में कई महीने खासकर अधिकतम तापमान अपने चरम स्थिति के लिए जाना जाता था। तूफान के बावजूद भागलपुर के जरदालू आम पर नहीं पड़ा कोई असर। ताउते तूफान का असर जब बिहार पर देखने को मिला तो इस बीच यही उम्मीद जताई जा रही थी कि भागलपुर के जरदालू आम पर खास असर देखने को मिल सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि तूफान के बावजूद भागलपुर के जरदालू आम की पैदावार अच्छी होने की खबर सामने आई है, जिसके तहत भागलपुर का प्रसिद्ध जरदालू जून के पहले हफ्ते से बाजार में आएगा। इसकी लोकप्रियता इतनी है कि इसकी पेटियां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और आला अधिकारियों को बिहार से भेंट जाती है। अब जरदालू की विदेशों में भी बढ़ने लगी है, जिसके तहत ही कोलकाता के व्यापारियों के जरिए जरदालू, मालदह और गुलाब खास समेत आम की कई किस्में बांग्लादेश भेजी जाएंगी। अब वीटीआर में बनेंगे 6 इको हट। पर्यटकों को वीटीआर की तरफ आकर्षित करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्री ने हाल ही में वीटीआर में 6 इको हट खोलने का ऐलान किया है। 3 दिवसीय दौरे पर वाल्मीकि नगर पहुंचे पर्यावरण एवं वन मंत्री नीरज कुमार सिंह ने हाल ही में इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इसे वर्ल्ड क्लास का दर्जा दिलाया जाएगा। 6 इको हट, पार्क और यात्री शेड बनाए जाएंगे। यहाँ बाघों की संख्या बढ़ाकर 50 के करीब हो गई है। इसके साथ ही वीटीआर में प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद पर्यटक प्रकृति के विहंगम नजारे का लुफ्त उठा सकेंगे, साथ ही खुद को साहसिक पर्यटन से जोड़ेंगे। इसके लिए संगम के तट पर कालेश्वर मंदिर के पास 6 इको हट बनाए जाएंगे। ये आधुनिक सुविधाएं से लैस होंगे। वीडियो कॉल की मदद से एक स्टाफ ने बचाई कई लोगों की जान। कहते हैं इंटरनेट पर ज्ञान का भंडार होता है। अगर एक व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल सही तरीके से करे तो वो विज्ञानी बन सकता है। हालांकि इसी का प्रमाण हाल ही में एक स्टाफ ने पेश किया है। बिहार में औरंगाबाद प्रशासन और सदर अस्पताल के कर्मचारियों ने अपनी सूझबूझ से कबाड़ बन चुके वेंटिलेटर को फिर से चालू कर दिया है। इतना ही नहीं, इससे अब तक 7 मरीजों की जान भी बचाई जा चुकी है। बताया जाता है कि एक डॉक्टर और कुछ नर्सों ने कम संसाधनों के बावजूद वीडियो कॉल पर दिल्ली एम्स से तकनीक सीखी और 4 साल से बंद पड़े आईसीयू के 4 वेंटिलेटर को से शुरू कर दिया। अब इस मॉडल को राज्य सरकार ने भी बेहतर बताया है। साथ ही औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इससे जुड़ी हर जानकारी 2 दिनों के अंदर मांगी है। डॉक्टर तेज प्रकाश ने 3 दिन पहले औरंगाबाद डीएम, डीडीसी, सिविल सर्जन, आईसीयू इंचार्ज समेत करीब 30 डॉक्टरों की वर्चुअल मीटिंग की थी, जहां पर ही अधिकारियों ने पूरे मॉडल को समझा था।
पटना यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा की तैयारियां जल्द होगी शुरू। पटना यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा की तैयारियों को लेकर प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसके तहत मई के अंत तक निजी एजेंसी को एंट्रेंस टेस्ट लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया गया है। कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि पीयू की प्रवेश परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया को पूरी तरह इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। इससे नामांकन से लेकर परिणाम तक की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। ऐसे में छात्रों को भी भागदौड़ नहीं करनी होगी। इसके साथ ही बताया गया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण परीक्षा को लेकर पूर्व की तैयारी को विलंब कर दिया गया है। अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद पुराने वर्ष की परीक्षाओं को लेकर समीक्षा की जाएगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे संदली सिन्हा की। संदली सिन्हा का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 11 जनवरी 1973 को हुआ था। संदली सिन्हा एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने अब तक बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। हालांकि संदली सिन्हा रोमांटिक हिट तुम बिन में पिया के किरदार के लिए जानी जाती है। संदली सिन्हा के फिल्मी करियर की बात करें तो मुंबई में आने के बाद कुछ समय बाद संदली सिन्हा एक मॉडल बन गई। पहली बार लोकप्रियता सोनू निगम की संगीत वीडियो दीवाना के साथ मिली। यह संगीत वीडियो संदली को उनकी पहली फिल्म तुम बिन में ले गई, जिसके निर्देशन अनुभव सिन्हा ने और टी सीरीज ने निर्माण किया था। हालांकि संदली सिन्हा बॉलीवुड में ज्यादा दिनों तक काम करती नजर नहीं आई है। बिहार में कई जिलों में गहरा रहा है भूजल संकट। बिहार के कई जिलों में भूजल संकट की भारी समस्या आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद सरकार की तरफ से अब तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है, जिसके तहत हाल ही में जारी रिपोर्ट में 11 जिलों के भूजल स्तर में 6 फुट तक गिरावट दर्ज की गई है। इससे सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति कैमूर जिले की है, जहां जल स्तर 6 फुट नीचे चला गया है। रिपोर्ट के बाद पीएचईडी ने जिलों में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां जल स्तर में गिरावट हुई है वहां पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था पहले की तरह शुरू कर दी जाए, जिसके तहत कैमूर में 6 फुट 1 इंच, अरवल में 2 फुट 1 इंच, गया में 1 फुट 8 इंच, भागलपुर में पूर्व में 11 इंच, भागलपुर पश्चिम में 1 फुट 8 इंच, बांका में 1 इंच, सीतामढ़ी में 1 फुट 5 इंच, पटना पूर्व में 3 फुट 7 इंच, बक्सर में 1 फुट 1 इंच, सिवान में 2 फुट 7 इंच, मधुबनी में 1 फुट 2 इंच, सहरसा में 9 इंच की गिरावट दर्ज की गई है। बिहार शरीफ के एसडीएम संजय कुमार ने दुनिया को कहा अलविदा। बिहार शरीफ के एसडीएम संजय कुमार की कोविड-19 के कारण बीते दिन जान चली गई है, जिसके बाद पूरे जिले में शोक की लहर देखने को मिली है। इतना ही नहीं, नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह ने उनकी मौत की खबर सुनकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 5 मई को ही कोरोना वायरस संक्रमण के चलते संजय कुमार सिंह को तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उन्हें पटना एम्स ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर लाख कोशिश के बाद भी उन्हें बचा नहीं पाए और शनिवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। मुजफ्फरपुर की लीची पर कोविड-19 की दिखी मार। मुजफ्फरपुर की लीचियों को लेकर किसान जिस बात का अंदाजा लगा रहे थे वही सच साबित हुआ। कोविड-19 का प्रभाव इस बार भी मुजफ्फरपुर की लीची पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोविड-19 के मामलों को देखते हुए खरीदार नहीं आ रहे हैं। जानकारों की माने तो देश से लेकर विदेशों तक धूम मचाने वाली लीची खराब मौसम के कारण इस बार उत्पादन काफी कम होने से विक्रेता और खरीदार दोनों में मायूसी है। ऊपर से लॉकडाउन के कारण मुसीबत में फंसे लीची उत्पादक किसानों को इस बार बाहर से कोई खरीदार नहीं पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन के कारण बगान से लीची बाजार तक नहीं पहुंच पा रही और ना ही बाहर के व्यापारी आ रहे हैं। लीची किसानों का कहना है कि 2 साल से लीची बाहर नहीं जा पा रहे, किसान घाटे में जा रहे, हालत खराब है। हालांकि इसके बाद प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द लीची विक्रेताओं को व्यापार और बाजार दोनों मुहैया करवाए जाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए पूरी समीक्षा की जाएगी। यास तूफान को लेकर बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट हुआ जारी। तावते तूफान के बाद अब यास तूफान बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला है और यही कारण है कि बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 26 मई को बिहार के सभी जिलों में बारिश और तेज हवा लगभग 40-50 की स्पीड में बहने की संभावनाएं हैं। विभाग ने यह अलर्ट यास तूफान को देखते हुए जारी किया है। वहीं इस तूफान को देखते हुए पटना, मुजफ्फरपुर तथा जयनगर से खुलने या पहुंचने वाली 3 जोड़ी और नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली 7 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ये सभी ट्रेनें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जाती थी। वहीं राजधानी पटना के बिहटा स्थित 9वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 5 टीम को रविवार सुबह चक्रवात यास से निपटने के लिए विमान से कोलकाता भेजा गया। सामुदायिक किचन का जायजा लेने अचानक पहुंचे मंत्री सुमित सिंह। कोविड-19 के इस माहौल में ठीक तरह से सरकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है या नहीं, इस बात का प्रमाण लेने खुद ही मंत्री जगह जगह पहुंच रहे। इसी क्रम में जमुई में भी बीते दिन ऐसा ही वाक्य देखने को मिला, जब मंत्री सुमित कुमार अचानक से सामुदायिक किचन का जायजा लेने पहुंचे, जिसके तहत बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सह स्थानीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने हर एक चीज का जायजा अच्छी तरीके से लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सबके साथ पंक्ति में बैठकर भोजन किया। आपको बता दें, मंत्री लगातार कोरोना काल में सामुदायिक
रसोई अस्पताल कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपदा के समय में हर जरूरतमंद की मदद करने के लिए वो हमेशा प्रयासरत है। तेजस्वी यादव ने की राजद शासनकाल की नीतीश शासनकाल से तुलना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने इस बार तुलना राजद शासनकाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल की कर दी है। जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 की रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको समझ आना चाहिए कि 2005 राजद शासनकाल में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी सुदृढ़ थी और 16 वर्ष बाद नीतीश भाजपा राज में ही स्वास्थ्य व्यवस्था और सेवा की कितनी जर्जर हालत है। आज बिहार का स्वास्थ्य विभाग खुद आईसीयू में भर्ती है। सरकार की नई योजना के तहत सरकारी सहायता से हर साल लगेंगे 40 कृषि उद्योग। बिहार सरकार सरकारी सहायता से हर साल लगभग 40 कृषि उद्योग लगाने का मन बना रही है, जिसके तहत उद्योग लगाने की इच्छा रखने वालों को भी बड़ी सहूलियत मिलेगी। योजना के अनुसार इच्छुक आवेदकों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बाद उन्हें उद्योग लगाने का पैसा मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान आवास और खाने पीने की व्यवस्था के साथ अलग से स्टाइपेंड मिलेगा। इस योजना के तहत दो कॉम्पोनेंट है। पहला सब उमंग है, इसमें ट्रेनिंग के दौरान युवक को 10,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। आइडिया अगर केंद्र ने चयनित किया है तो उन्हें 5 लाख तक की राशि सहायता के मिलेगी। दूसरा कंपोनेंट है सब स्वावलंबी, इसके तहत इच्छुक लोगों को ट्रेनिंग के दौरान 25,000 रुपए मिलेंगे और बाद में उद्योग लगाने के लिए 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। इसको लेकर कुलपति बिहार विश्वविद्यालय के डॉक्टर आर के सोहाना ने कहा है कि योजना का उद्देश्य रोजगार का अवसर बढ़ाने के साथ युवकों को रोजगार प्रोवाइडर बनाना है। ग्रामीण विकास मंत्री ने आवास योजना के फिसड्डी जिला कार्य में तेजी लाने का दिया आदेश। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आवास योजना के सभी जिला कार्य में तेजी लाने का निर्देश जारी कर दिया है। पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना की स्थिति की समीक्षा की थी, जिसके बाद बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति के बारे में चर्चा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक राज्य में कुल 32,60,978 आवास का लक्ष्य मिला था, जिसमें से अब तक 19,60,000 से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं। पूर्णता का प्रतिशत लगभग 60% है। मंत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में सभी आवश्यक सावधानियां बरतते हुए आवास योजना में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया है। बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर आज सरकार ले सकती है फैसला। कोविड-19 के वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सरकार आज महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की लॉकडाउन बढ़ाने पर निर्णय को लेकर अहम बैठक बुलाई गई थी। गृह विभाग के सूत्रों का कहना है कि बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लॉकडाउन की पूरी अद्यतन जानकारी दी जाएगी। उनकी सहमति के बाद मुख्य सचिव राज्य में अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन 3 की घोषणा कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहला लॉकडाउन 5 से 15 मई तक का था, वहीं दूसरे लॉकडाउन 25 मई को खत्म है। इस बार लॉकडाउन के गाइडलाइन में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। शहरों में लॉकडाउन में कोई छूट दी जा सकती है, मगर गांव में इसके बाद भी सख्ती बढ़ाई जाने की उम्मीद है। बिहार में आरटीपीसीआर से जांच की क्षमता में 2.5 से 3 गुना होगी बढ़ोतरी। बिहार में आरटीपीसीआर जांच की क्षमता बढ़ाने की तैयारी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इस बात की जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इसे शीघ्र ही मूर्त रूप दे दिया जाएगा। दूसरे फेज में 6 जिलों में आरटीपीसीआर लैब लगाया जाएगा। इसके साथ ही एम्स पटना एवं नालंदा के पावापुरी स्थित वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक एक आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन को भी इंस्टॉल करने की बात कही गई है। आपको बता दें बिहार में कोरोना की जांच की गति को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों ने सर्वे रिपोर्ट लेने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जानकारी दी है। इन किसान सलाहकारों की होगी छुट्टी। बिहार में कई किसान सलाहकारों के छुट्टी होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार की तरफ से जारी किए गए श्री विधि के अनुसार खेती नहीं करने वाले किसान सलाहकार की छुट्टी हो सकती है। कृषि विभाग किसान सलाहकारों द्वारा की जाने वाली खेती की पहले जांच करवाएगा। आपको बता दें सरकार का उद्देश्य है कि किसान सलाहकार स्वयं अगर श्री विधि से खेती करेंगे तो उनसे प्रेरित होकर क्षेत्र के किसान इस विधि को आसानी से अपनाएंगे। अगर हम श्री विधि की बात करें तो विधि से खेती में बीज कम लगता है। 1 एकड़ में मात्र 2 किलो 8 से 12 दिन के बिचड़े की रोपाई से 40 से 70 किले निकलते हैं। 10 इंच की दूरी पर एक एक बिचड़ा लाइन में लगाते हैं। महज 0 से 1 इंच पानी गीला या सूखा पद्धति कारगर रहता है। कम से कम 2 बार मशीन से वीडर से घास निकालना जरूरी है। परंपरागत विधि की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा उपज होती है।
लॉकडाउन में घूमने वाले मंत्रियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी चेतावनी। लॉकडाउन के आदेश के बीच खुलेआम घूमने वाले मंत्रियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन चेतावनी दी है। इसको लेकर गृह विभाग की तरफ से सभी मंत्रियों को पत्र जारी कर ऐसा नहीं करने का आदेश निर्गत किया गया है। पत्र में साफ तौर पर ऐसे मंत्रियों को हिदायत दी गई कि लगातार विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन तथा अन्य कार्यों को लेकर अपने निर्वाचन क्षेत्र अथवा अपने प्रभार से जिलों में परिभ्रमण की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। ऐसा करना कोरोना की लड़ाई को कमजोर करता है। पत्र में आगे लिखा गया है कि पूरा बिहार कोरोना वायरस के जनित महामारी के संक्रमण की दूसरी लहर के प्रभाव में है। पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रस्तावित हड़ताल को लिया वापस। पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने पहले ही सरकार को चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में आज से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया था। हालांकि समय से पहले रेजिडेंट डॉक्टरों को मना लिया गया है, जिसके तहत रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रस्तावित हड़ताल को वापस देने का फैसला सुना दिया है। मिली जानकारी के अनुसार रेजिडेंट डॉक्टरों की तरफ से दिए गए अल्टीमेटम के बाद पटना एम्स के निदेशक ने रेजिडेंट डॉक्टरों को लिखित आश्वासन दिया है। इसके बाद ही इन लोगों ने प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया। निदेशक ने 8 दिनों की बजाय 5 दिन की पोस्ट कोविड ऑफ देने का लिखित आश्वासन दिया है। लिखित आश्वासन बाद रेजिडेंट डॉक्टर ने हड़ताल पर नहीं जाने की घोषणा कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राजद को दिलाई लालटेन युग की याद। बिहार में कोविड-19 के मौजूदा माहौल के बीच राजनीति भी अपने चरम पर है। लगातार बयानबाजी और तंज का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी हाल ही में राजद पर दो टूक टिप्पणी की है, जिसके तहत उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि 2005 के पहले बिहार में कैसी व्यवस्था थी। पटना के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस या गांव में जो भी सदर अस्पताल है उन्हें आज देख लिया जाए, जो भी परिवर्तन हुआ है साफ दिखेगा। आज जिस अस्पताल की बिल्डिंग भी दिख रही है और उसमें बिजली भी है, क्योंकि एक जमाने में लालटेन जलता था लेकिन आज डॉक्टर और नर्स दिखाई देते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। आज के दिन 1956 में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की 2500वीं जयंती में धूमधाम से मनाई गई। सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बिछेंद्री पाल का जन्म 1954 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक करतार सिंह सराभा का जन्म 1896 में हुआ। भारत के पूर्व भारतीय विदेश सचिव रंजन मथाई का जन्म 1952 में आज ही के दिन हुआ। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के एस हेगड़े का निधन 1990 में आज ही के दिन हुआ। आज ही के दिन को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। टेस्ट क्रिकेट करियर को लेकर युवराज सिंह ने बयां किया अपना दर्द। सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट करियर को लेकर अपना दुख बयां किया है, जिसके तहत विडन इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर क्रिकेट फैन से सवाल पूछा कि आप किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को और अधिक टेस्ट क्रिकेट खेलते देखना चाहते हैं। इसके जवाब में युवराज ने कटाक्ष करते हुए भारतीय टीम प्रबंधन को आड़े हाथों लिया। बाएं हाथ के इस धाकड़ बल्लेबाज ने कमेंट में लिखा कि शायद अगले जन्म में ऐसा हो जब मैं 7 साल तक 12वें खिलाड़ी के तौर पर टीम में नहीं रहूंगा, जिसके बाद युवराज सिंह का यह जवाब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिया सख्त निर्देश। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्ती दिखाई है, जिसके तहत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि वो तत्काल प्रभाव से उन सभी पोस्ट को हटा दे जिसमें कोरोना वायरस के इंडियन वेरियंट का जिक्र किया गया है। केंद्र की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जारी एडवाइजरी में कहा गया कि इस तरह के पोस्ट फेक न्यूज और भ्रामक खबरें फैलाते हैं। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस के इंडियन वेरियंट के नाम से फैलाई जाने वाली खबरें पूरी तरह से गलत है। इस तरह से किसी भी कोरोना वायरस वेरियंट का जिक्र वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तरफ से नहीं किया गया है। WHO की तरफ से कोरोना वायरस के B1617 से जुड़े इंडियन वेरिएंट को मान्यता नहीं दी गई है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 23 मई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,000 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,000 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 71,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 94.32 रुपए प्रति लीटर और डीजल 88.56 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रविंद्र पासवान, शंकर मुखिया, कन्हाई राज, इर्तिका शाहीन, दिलकुश कुमार, अतीक खान, अजीमा फिरदौस, सुनील कुमार महतो, निशु कुमारी, दीपक श्रीवास्तव, रंजीत कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए या नहीं। अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना।